बत्ती जड़ी एक टाइम गलता है उन्हों जब तो बेल लाय लेंदा है बस हो गया। मोड़ बत्ती नहीं आमनी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं हाफिज़ खालिद। हम आपको लेके आए हैं स्थाई ईबी। अगर स्थाई ईबी की यहां की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 300 प्लस घराना यहां पे आबाद है, और यहां की बुनियादी सहूलियात के अंदर देखा जाए तो आपने मेरे कैमरे की स्क्रीन पर काफ़ी हिस्सा देख लिया है, और हम आपकी आवाम से मुलाकात करवा रहे हैं। यहाँ पे 300 प्लस घराने के अंदर इनके पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ये लोग वोट देते हैं, ये लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के बाद भी इनके साथ नए पाकिस्तान और रियासत मदीना के अंदर कौन सा सलूक किया जा रहा है ये आपने इससे पहले भी देख लिया है, और आज हम दिखाएंगे 27 EB का हालात और यहाँ की आवाम से मुलाकात करवाएँगे, और ये लोग आपको बताएँगे कि हम यहाँ पर ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान हमारे MNA, हमारे MPA और उन वज़रा के नाम ये सवालिया निशान ज़रूर रहेगा कि इन लोगों का क्या कसूर है जो आपको वोट देने के बाद अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं और उसके बाद अपनी सहूलियात का रोना रोते हैं। मजीद इसकी क्या डिटेल है यहाँ के बासी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, असीं तुहाडे पिंड आए हैं 27 EB। असीं काफ़ी पिंड घूम लिया वा, इतों के लोगों ने साडी गुफ्तगू हुई है, तुसीं जिंदगी काफ़ी गुजार चुके हो, तुहाडे पिंड के अंदर बुनियादी सहूलियात का की हाल है? कोई हाल नहीं, ना कोई पानी का हाल, ना कोई स्कूल का, इतने कोई हाल नहीं किसी गरीबों का। पानी पीने वाला खराब हो पाया, मेजे खराब हो पे पानी पी पी, और दवाई लैन जाते रहो तो गाल ही कोई सुनता। उ मोहतरम, इतने कोई हाई स्कूल बच्चों का है? कोई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो थोड़े बच्चे तलीम किमें हासिल करते? हाँ, कोई पक्के आते जाते, कोई कच्चे आते, कुछ जाते आरफ वाले, कोई पच्ची च, बिल्कुल कोई हालात नहीं है साढ़े पिंड। पानी मस्जिद उन्होंने बंद करता है, उन्होंने जमीन जिन्हें जिम्मेदार की है उन्होंने पानी बंद करता है। वो अगे उन्होंने वडेरे से छड़ के गए, सीवरेज का निजाम बंद किया? हाँ, बंद किया, वो छड़ते गए थे अल्लाह वास्ते भी, असं मस्जिद में जमीन दी पानी निकलता रहा। हूँ जे उन्होंने जमे ने पानी बंद कर रहे हैं, वो आ गए पानी बंद कर दो। इतने कोई पेशेंट सीरीयस कंडीशन च होने आरफ वाले लैके जाते हो? पाक एक ही चक च ले आने, रात में एक ही चक उसे ले आने, गल कोई सुनना नहीं गरीबा तो उत्थे बुनियादी मर्ज से सेहत होएगा। अगर कोई सीरियस जमा कोई डिलीवरी केस वगैरह तो 11 किलोमीटर दूर आरफ वाला, जो राह में जा मर गया जा जींदा रहा, जे वधीए तो आ गया नहीं तो गया। हालात कोई नहीं है साढ़े पिंड के। मैं देखा कि इतने कोई सीवरेज का निजाम तो अलावा मैंने इतने फिल्ट्रेशन प्लांट भी तुहाडा पूरा पिंड विजिट कर लिया, मैंने नज़र नहीं आया। पानी की सूरत हाल इतना? पानी बिल्कुल खराब है, बंदे बीमार हो बेचारे, पैसे ला ला अके पैने। मोहतरम इमरान खान साहब ने नवा पाकिस्तान बनाता, पुराना ढाता, तुहानू कुछ नज़र आया? कुछ ना, सानू तो कोई नज़र। पहलियां हुकूमतां ने तुहाडे वास्ते कुछ किया हो? बड़ा कुछ किया उन्होंने, ये ना कुछ भी नहीं किया, जदों दे आए ने बस लारे लाई जाते हैं। गल्लां कर छड़ियां लारे उत्थे संभलियां ज्यादा रोला पाई रखते हैं। मजीद इसकी डिटेल सुनाते हैं, हमारे साथ यहाँ के इमाम मस्जिद मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मौकफ है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब, तुसी इत्थे रहंदे पए हो 27 EB दे इमाम मस्जिद हो, माशाल्लाह तुसी इत्थे लोगों नूं नमाज़ां पढ़ाते हो जिवें पढ़ाते हो, तो इत्थे दी बुनियादी सहूलियत देखिया मैं बिल्कुल ना होंदे बराबर आ जी, तुसी की कहोगे अपने इस पिंड दी हालत ज़ार उत्ते? जिस तरह भाई उन्होंने कहा वा वी पानी दी निकासी दा मसला, पानी दी निकासी ठीक हो जाए, पानी हुण वापस मस्जिद वी सेन विच आंदा, जिदे वजह नाल मस्जिद का सेन भी खराब हो जाता, गंदा बाथरूम वाला पानी जिहड़ा वो घर का पानी मस्जिद के सेन में आता, जिदे वजह नाल मस्जिद के सेन खराब हो जाता है, तो पानी की निकासी तो जरूरी है सानू इत्थे। यानी कि तुहाडे कोले मस्जिद का भी आबी निकास का कोई इंतजाम नहीं गा? बाकी पिंड का तो की हो सकता है? हुण वो अगे बंद किया पाया मसला सारा, जो पानी बंद किया जिदे वजह नाल पानी मस्जिद में वापस आता सेन। सर, जुलाई का महीना चल रहा वा, तो शहरों च तो लोड शेडिंग हो रही है, तो पिंडों का की हाल है? पिंडों में भी बड़ी हो रही है। किन्ने किन्ने घंटे लोड शेडिंग है? दस दस घंटे हो रही है लोड शेडिंग जी। नाज़रीन, यहाँ के इमाम मस्जिद ये है 27 EB, 27 EB होता रोड से लिंक कर रहा है और आरी वाला से 11 किलोमीटर के फासले पर है।
इन्होंने जो मौक़ पेश किया इंतहाई अफसोसनाक मौक़ है कि यहाँ के गाँव का सीवरेज का निज़ाम तो ज़ीरो है ही, इनके मस्जिद का जो आपी निकास का मसला है, इनका मस्जिद का सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जहाँ की मस्जिदों का ये हाल है वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। इन्होंने कहा कि हमारा जो पेशेंट होता है 11 किलोमीटर दूर आरी वाला जाता है, अगर यहाँ के आज जुलाई का महीना चल रहा है और गर्मी अपने अरूज पर है और यहाँ पे बिजली जो है ना वो तकरीबन 11 से 12 घंटे तक बिजली डेली मामूल से जा रही है और लोड शेडिंग भी अपने अरूज पर ही है, तो इन लोगों का मौक़ सुन लिया, इस गाँव की हालत ज़ार आपने देख ली है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि आरी वाला का अच्छा चेहरा दिखाया जाए, लेकिन अफसोस के बहुत कोशिश के बावजूद नए पाकिस्तान और रियासत मदीना के अंदर हम जहां भी पहुंचते हैं हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनके पास बुनियादी सहूलियात का बहुत सा फुकदान है। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे इन लोगों का कोई अच्छा वसीला बन सके, इनको सहूलियात मिल सकें और ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें, इनके बच्चे तलीम हासिल कर सकें और इनको साफ़ पानी के साथ साथ बाकी सहूलियात मुयसर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी तो तुहाडे पिंड आए हैं 27 EB, असीं तुहाडा पिंड विजिट कर लिया, नाजरीन ने मेरी स्क्रीन पर भी देख लिया वा तुसी जिंदगी गुजार ली, तुहाडे बच्चे इत्थे जिंदगी गुजारदे पए ने, तुहाडे कोले गवर्नमेंट दी केहड़ी सहूलत हैगी इत्थे? कोई शाय नहीं इत्थे गवर्नमेंट दी, इत्थे ना को खाला सानू पानी कढ़न नू, ना रूड़ी कूड़ा सट्टन नू, ना इत्थे डाक्टर, ना इत्थे कोई स्कूल, कोई शाय नहीं इत्थे दुनिया ते साडे पिंड दे विच सहूलत कोई भी नहीं है। मां जी इत्थे 300 घराना तकरीबन, इस तो ज्यादा होएगा, 300+ घराना आबाद आ, तुहाडा जे कोई मरीज हुंदा तुसी कित्थे लैके जांदे? असीं पुत्तर आरफ वाले लैते जाने आ, इत्थे तो कोई आंदा ही नहीं, कित्थे गरीब भजन, गरीब जड़ा बेचारा अंदर पिया मर जाए, जड़ा साडा बादशाह सलामत अल्लाह उनका भला करे, सानू एन खुंगी तो चढ़ाए, एक महंगाई इन्नी, एक इंदा बीच खीजे साडे, असी तो मरे पाया मेहनत कर करते, जे आटा ले आने तो दाल कोई नहीं, जे दाल ले आने तो अग मर्च कोई नहीं, की करिए असी, किहड़े पासे नूं जाइए, ना साडे बच्चे ओए टंडे फिरदे, ना असी पढ़ावन जोगे, ना असी शहर ले जावन जोगे, बीमार हो जाए तो असी उत्थे नहीं पढ़ सकते, साडा बच्चा राज भाव तो। माँ जी इमरान खान साहब तो कह रहे नवा पाकिस्तान बनाता, आवाम नु सहूलियत देती, मैं गरीबां दे नाल खड़ा है, तुहानू कुछ नजर आया नवे पाकिस्तान? कुछ भी नहीं, सानू तो सगो उन्हें नचोड़ दिता, सानू अगले नचोड़ दिता, अगले बेचारे बाबा सन हमदर्दी करते सन, कूड़ा सड़न रूड़ियां होंदियां, पानी कढ़न खालियां होंदियां सन, मसीह साड़ी दा पानी बंद होया, साडे पानी बंद होए, जिमीदार बार कढ़न नहीं देंदे, बत्ती जिहड़ी एक टाइम गलदा हुण जदों बिल लै लैंदा है बस हो गया, मुड़ बत्ती नहीं आवनी, एडा कोई साडा बादशाह सलामत अल्लाह उनका भला करे, ते रन्ना नू उंदियां नू अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, जिन्नियां कलाई फिरदा है। माँ जी तुहाडे इत्थे MNA MP तुहाडे को वोट लैण आंदे ने, उस तो बाद तुहाडे नाल राबता नहीं करदे तुसीं, उहनां कोल अपने बच्चियां वास्ते बुनियादी सहूलियत दा कोई मुतालबा नहीं करदे? कोई नहीं, खा पी ते अंदर वड़ जांदे ने, कोई भी नहीं करदा, ढिड आपदे ने उहनां दे। सही गल। हां उहनां दे ढिड विच पैण कीड़े, सानू भावें ते पुछदे ही नहीं। जी नाजरीन आपने माँ जी की बात सुनी, ये है 27 CB, 27 CB आरिफ आला तहसील का करीबी गांव है। इन माँ जी की परेशानी देख के आप महसूस कर सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इनकी हालत ज़ार देख के हमें तो बहुत परेशानी हुई है। मुझे यकीन है कि जो वज़ारा, जो आवाम, नए पाकिस्तान के लोग इन्हें देख रहे हैं वो भी महसूस करें कि ये लोग जंगल की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, इनके पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान नहीं है, यहाँ पर बुनियादी सहूलियत है ही नहीं। मज़ीद इसकी क्या डिटेल है वो अभी हम आपको सुनाते हैं। 27 EB के अंदर जो सूरत हाल है वो आपने थोड़ी सी तो देख ली है, मज़ीद मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ की आवाम से भी आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जो यहाँ के बासी हैं वो बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर गई है और हमारे बच्चे ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। यकीन मानिए नया पाकिस्तान और रियासत मदीना कहते हुए भी इन लोगों को शर्म आती है कि खुदारा उन हुक्मरानों के नाम इनका पैगाम आपने सुन लिया है। मज़ीद इसकी डिटेल अभी हम आपको सुनाएँगे, हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी असीं तुहाडे पिंड च आए हैं 27 EB, असी सारा पिंड विजिट कर लिया, काफ़ी लोगों ना मुलाकात हुई, अभी देखिए कि तुहाडे कोले बुनियादी सहूलियत का फुकदान है ही नहीं गिया, जिंदगी तुसी गुजार ली, तुहाडे बच्चे गुजारदे पए ने, तुसी इमरान खान साहब ने नवा पाकिस्तान बनाया, तुसी की कहोगे? साडे ना इत्थे पानी है, निकल कौन नहीं देंदा जिमीदार, साडी मस्जिद का पानी बंद होया पिया है, तो फिर हटके ना इत्थे स्कूल है, ना हस्पताल है। माँ जी तुहाडे बच्चे तलीम वास्ते मिडल प्रायमरी तो बाद कित्थे जांदे ने? ओ पंजी च जांदे ने, आरफ वाले जांदे ने, जां शहर जांदे। माँ जी पच्ची चक्के तो किन्ने किलोमीटर है? ਏਗਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ 27 EB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ
ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਜੀ ਤੇਰੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੋਵੇ जी नाजरीन आपने माँ जी की बात सुनी। ये है 27 CB आरिफ आला से 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और यहाँ पे तकरीबन 300 प्लस घराना आबाद है और यहाँ की सहूलियात की अगर बात की जाए तो आपने मेरे कैमरे की स्क्रीन पे देख भी लिया है और यहाँ के लोगों की आवाज़ आपने सुन भी ली है। इनके बच्चे तलीम से फारिग हैं, इनके पास प्राइमरी के बाद स्कूल नहीं है, इनके पास अगर फ़िल्टर प्लांट की बात की जाए तो ये गंदा पानी पीने पर ये लोग मजबूर है। सीवरेज के निज़ाम की जहाँ तक बात है तो सीवरेज इनके गाँव के अंदर खालियाँ तो हमें नज़र आई हैं लेकिन खालियों के आउटपुट जो पानी का निकास है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो पानी को निकालने नहीं दे रहे और ये लोग परेशान हैं। इनके पास मेडिकल की सहूलत नहीं है, इनका कोई पेशेंट हो तो इन्हें यहाँ से 12 किलोमीटर आरीवाला जाना पड़ता है। ये लोग यहाँ पे जिंदगी जंगल की ज़िंदगी की तरह गुजार रहे हैं और हुकाम बाला के नाम इनका पैगाम आपने सुन लिया है। मज़ीद इसकी डिटेल हम नहीं बता सकते चूँकि हम शर्मिंदा हैं कि हम यहाँ पर रह रहे हैं और इन लोग ये जो मेरे पास आप लोग देख रहे हैं ये टैक्स पे करते हैं, ये नए पाकिस्तान के शहरी हैं। टैक्स पे करने के बाद इनकी हालत ज़ार देखी जाए तो अफसोस सद अफसोस के ये लोग बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। कैमरामैन अमार शाकर के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।